हेलो एवरीवन, इस वीडियो से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं यह प्लेलिस्ट को पार्टिकुलर कोर्स की तरह डिजाइन किया हूं, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डीप नॉलेज मिलेगा बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। इस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा वैसे वैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते जाएंगे और आप भी कंप्यूटर वर्क को इजीली और फास्ट अपने काम को कर सकते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट का वीडियो को रेगुलर फॉलो करें, तब आप कंप्लीट नॉलेज ले पाएंगे। मुझे आशा है कि आप भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख पाएंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको मैं सिखाऊंगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हाउ टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और आपको मैं सिखाऊंगा शॉर्टकट की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और यहाँ पे ऑसम टिप्स एंड ट्रिक दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बिल को दबा दें, जिससे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और कोई भी आपको डाउट होते हैं यहाँ से आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा जो भी आपका प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप नोट डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप जाएँ मेरे वेबसाइट solo-gyan.in पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मीनू जाना और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टोटल पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप नोट डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट अप टू डेट करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ से आप उसका नोट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद आप एग्जैक्ट नोट पर जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एंड लोगों के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको डिफिनीशन देना होगा, तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर। It manages the computer memory and process as well as all of its software and the hardware. It also allows you to communicate with the computer. Dot knowledge how to speech a computer language, machine level language 0 and 1. Without an operating system, a computer is useless. यहाँ पे आपको हिंदी में आप समझे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, और जो आपको रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है। कहाँ रन करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर पे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इट मैनेज क्या करता है, मेमोरी और प्रोसेस, जो आप प्रोसेस दे रहे हैं डेटा इनपुट करवा रहे हैं इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस के माध्यम से, तो वहाँ पे प्रोसेस और मेमोरी में आप जहाँ सेव करना चाहते हैं डेटा को वहाँ मैनेज, ये सारा चीज़ को मैनेज, हमारा जो टास्क होता है उसको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हार्डवेयर में कभी नहीं मैनेज करेगा, कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को क्या करता है? मैनेज करता है। इट अलाउ द कम्युनिकेट कम्युनिकेट वहाँ पे करता विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट नॉलेज। मैं यह बताना चाहूँ आपको मशीन लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। आप मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तब फिर भी आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, तो किसका आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर मशीन लेवल लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता देता है, जिससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर और हमारे बीच में बात हो सकता है। आप यहाँ पे सोचेंगे कि बिना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, तो नहीं, आपको मशीन लेवल लैंग्वेज वहाँ पे जानना होगा, तभी आप कंप्यूटर को डायरेक्टली बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को। आओ इसका आगे आपको डिफिनेशन देना, तो इस पर से फिर दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर द सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम। They all meet to access your computer central processing unit, memory and storage. The operating system coordinate. यहाँ पे आप जितना भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, या कंप्यूटर पे आप जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो टोटल को मैनेज करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम,
several different the program run jaisa aap yahan pe aapka operating system pe jaise yahan pe video bhi dekhte hain game bhi chal rahe hain ya aap aur bahut sara work kar rahe hain jaise bed mein resume bhi bana rahe gaane bhi baja diye aap bed mein resume bhi bana rahe to yahan pe several hum task ko aap bahut sare task ek sath perform kar rahe hain to wahi cheez ko kaun manage kar raha hai cpu aur cpu central processing unit aur memory jahan aap usse total ko manage kar kar aur hamare task ko pura complete karta hai चलिए आगे जानते हैं पूरा स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर से समझें किस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं और उसके बाद हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार हमें मदद करता है पूरा यहाँ पर डीप में जानेंगे और इसके बारे में हम फिर एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में देखने को मिल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे लाइक सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। आप जानते होंगे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जाना जाता है। मेमोरी मतलब आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। रैम और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, डीवीडी, ये सारा चीज बहुत सारे इसी आता है। इनपुट आउटपुट जैसे इनपुट कीबोर्ड माउस और आउटपुट में मॉनिटर ये सारा, फिर इस पर और बहुत सारे आउटपुट इनपुट। ये टोटल क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो हम कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट आप वर्क कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। लाइट भी आपके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप वर्क वहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं जानते हैं। यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज जानेंगे तो आप अपना काम को, जैसे यहाँ कोई भी दो नंबर को जोड़ना है तो आपको मशीन लेवल लैंग्वेज को जानकारी होना चाहिए। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में आप वहाँ पे सारा चीज़ पे परफॉर्म कर टास्क को इनपुट करेंगे तो वो आपको फिर उस प्रकार से रिलेटेड रिजल्ट देगा। आप मशीन लेवल लैंग्वेज को वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं जानते, आपको कंप्यूटर को यूज करना है तो आप यहाँ पे आपको जरूरत होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे सेकेंड नंबर में ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं रखा हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सारा चीज़ें है, जैसे एंड्रॉयड है आपका, ओपन लिनक्स, लिनक्स मिंट और मैक, विंडोज, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर हार्डवेयर पे इंस्टॉल करना होगा। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास तो एंड्रॉयड होना चाहिए, आईफोन का सॉफ्टवेयर, फिर लैपटॉप टैबलेट या पीसी आपके पास है तो आपको विंडो 10, मैक या लिनक्स, ये सारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप जब चालू करते हो कंप्यूटर तो देखते हो सबसे पहले कौन सा काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप अपने सब कंप्यूटर को चालू कर पाते हैं और वहाँ पर कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे अब आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत। तो थर्ड नंबर में मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रखा हूँ, जैसे यहाँ पे VLC, जैसे मीडिया प्लेयर है। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट आ जाता है। एक्सेल में कोई टाइप करना है तो यहाँ पे एक्सेल शीट आ जाता है। इस प्रकार से नोट पैड में कुछ डेटा छोटा सा लिखना है, उसके लिए नोट पैड प्रोग्रामिंग करना है तो आपको आ जाता है यहाँ पे कंपाइलर। और फोटो आपको बनाना है तो आपको फोटोशॉप और बाद में कोई रिज्यूम या क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार से कुछ भी बनाना है तो आपको बेड का जरूरत करना होगा। ये टोटल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे रन करता, कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रन करता? कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है। इस तीनों को होना जरूरी तो हम अपना टास्क को परफॉर्म करेंगे। चौथा नंबर पर मैं रखा हूँ यूजर। यूजर मतलब आप जो कंप्यूटर यूज करता है उसको यूजर बोलते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर यूज करने वाले यूजर कोई एक वीडियो को प्ले करना चाहता हूँ, सोचता है मैं वीडियो एक वॉच करूँ देखूँ, तो यहाँ पे क्या चीज़ करेगा? तो मीडिया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसको जरूरत पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक आ रहेगा जिसे हम VLC या मीडिया प्लेयर के नाम से भी जानते हैं। मीडिया प्लेयर बहुत सारे मीडिया प्लेयर हैं। तो ये कहाँ रन करेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो PC है तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, मोबाइल है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा मोबाइल पर। और वो कहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा? देखेगा कि आप जो वीडियो पे प्ले क्लिक किए हैं वो पे आपका हार्डवेयर में, जैसे हार्डवेयर आपका हो गया यहाँ पे हार्ड डिस्क में आपका डेटा स्टोर है कि नहीं। हाँ स्टोर है तो उसको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर आप रिक्वेस्ट भेजेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास। हाँ वो डेटा आपके पास है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे प्ले कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको प्ले कर देगा जिससे आप इजीली बात कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर चलाने में मदद करता है। चलिए इसको और स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं।
इसका नाम सोलो ज्ञान है जी, जो यूजर है और इधर कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर खरीदा है, वो सोचता है एक मैं रिज्यूम बनाऊं। तो उसको पहले ऑपरेटर जो हार्डवेयर लाया था उसको कुछ नहीं था, खाली हार्डवेयर मिल गया था, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट जो अभी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, उसको अपने कंप्यूटर हार्डवेयर पर इंस्टॉल कर लिया। तो अब उसको एक सोचा कि मैं रिज्यूम बनाऊँ तो यहाँ पे किस प्रकार नोट पैड यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सोचा थोड़ा एडवांस मुझको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जरूरत है, तो चलो एडवांस के लिए वो अब बर्ड का यूज किया, एमएस बर्ड। तो एमएस बर्ड में वो एक रिज्यूम को क्रिएट करने के लिए चाहता था। तो किसके माध्यम से इनपुट करेगा डाटा, तो कीबोर्ड माउस के माध्यम से इनपुट किया डाटा को, और यहाँ पे कीबोर्ड माउस के माध्यम से इनपुट किया, तो कीबोर्ड माउस के माध्यम से डेटा को इनपुट किया, एक रिज्यूम बनाने का डिजाइन कर रहा था। तो कहाँ टोटल को कौन मैनेज कर रहा था, अब ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल कौन मैनेज कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का टोटल को मैनेज कर। अब यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट भेजें, मेरा डेटा को सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे मुझको मिल जाता है मेमोरी, सीपीयू के पास भेजा गया और सीपीयू मेमोरी को मैं जाकर सेव कर दिया, हाँ ये यहाँ पे तुम्हारा ये डाटा को सेव कर दिया। उसके बाद मुझको डिस्प्ले कर दिया जाता है, आपका डेटा सेव हो जाता है। इस प्रकार हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इजीली वर्क अपना करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर लाइफ में किस प्रकार से मदद करता, और ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो किस प्रकार से हम अपने काम को बहुत ही लेट होता और इतना फास्ट हम अपने काम को नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे जानेंगे मैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारा बात किया, लेकिन यहाँ पे आप कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका लोगो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे आप पकड़ सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। यहाँ पे एंड्रॉयड बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हो गया, और आप जैसे आप जानते होंगे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो जितना भी स्मार्टफोन है तो एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है। कुछ आईफोन के भी एप्पल द्वारा भी बनाया जाता है, जिससे आईफोन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है विंडोज, विंडो भी एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ट्रायल वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 बहुत सारे इसका वर्जन अवेलेबल, अभी लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 चल रहा है। इसके बारे में और डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैक में भी बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, ये एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हिस्सा आता है। उसके बाद ओपन टू, लिनक्स, लिनक्स मिंट, ये सारा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। मेरा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक करके जाए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या कोई दिक्कत हो समझने में तो कॉमेंट करके पूछें, मैं वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए आपको धन्यवाद।